वेलकम टू नई सुबह कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी हाथी और चूटी। प्यारे दोस्तों, एक दफा की बात है, जंगल में एक हाथी रहा करता था जो बहुत ज्यादा मगरूर था। अपने बड़े डरदौल और अपने ताकतवर जिस्म होने पर बहुत गुरूर करता था और हमेशा अपने आप से दूसरों को तकलीफ पहुंचाता था। एक दिन हाथी दरख्त के पास से गुजर रहा था और दरख्त पर तोता सो रहा था। हाथी ने कहा, तोते मियां मुझे सलाम करो। तोता तो बेखबर सो रहा था और तोते ने नहीं सुना। गुस्से में हाथी ने आकर दरख्त ही को गिरा दिया और आगे गया तो नहर पर देखा कि चूटी अपना खाना लेकर जा रही है। हाथी ने अपनी सूंड से चूटी का सारा खाना बिखेर कर पानी में फेंक दिया। चूटी ने कहा, तुम हमेशा ही ऐसे करते हो, मेरे खाने को फेंक देते हो, एक दिन देखना तुम्हें सबक जरूर मिलेगा। हाथी ने कहा, ओ छोटी, मुझे सबक मिलेगा? अपने आप को देखो और अपनी बात देखो, बड़ी आई मुझे सबक सिखाने। चूटी ने कहा, ये तो वक्त बताएगा। इस तरह हाथी चूटी का खाना रोज नहर में गिरा दिया करता था और चूटी को बहुत सताता था। एक दिन चूटी अपना खाना नहर के पास से लेकर जा रही थी और हाथी पानी पी रहा था। अचानक से चूटी पानी समेत हाथी की सूंड में चली गई। हाथी को ऐसी तकलीफ हुई कि हाथी ने कहा, जो कुछ मेरे सूंग में है खुदारा निकल जाओ, बस एक बार निकल जाओ, आइंदा मैं नहीं तकलीफ दूंगा। चूटी फटाफट हाथी की सूंग से निकली और कहने लगी, देखा अल्लाह ने तुम्हें कैसा सबक दिया, इसीलिए कहते हैं किसी को तंग नहीं करना चाहिए। हाथी ने माफ़ी मांगी और दोबारा कभी भी किसी जानवर को तंग नहीं किया। तो देखा बच्चों, अगर बुरा काम करते हैं तो बुरे काम का बुरा नतीजा मिलता है और कभी ना कभी तो ज़रूर ही मिलता है। नई सुबह कहानी घर में इतना ही। मिलते हैं एक मज़ेदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।